नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका एजुकेटर, आप सभी का अनकेडमी पीपीएससी पर वेलकम करता हूं। आज आप लोगों के लिए एक विशेष कड़ी जून मंथ के फर्स्ट वीक में विशेष कड़ी स्टार्ट हो रही है, जिसको लेकर के मैं हाजिर हो रहा हूं। आपसे मैं चर्चा करूंगा भारतीय, कह सकते हैं ब्रिटिश भारत से रिलेटेड कुछ उनके गवर्नर जनरल्स एंड वाइस राय, इनके बारे में आज इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग मुझे अनकेडमी पर विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर जा करके फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप सभी लोग अगर आप प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। अनकेडमी पर आप लोग के लिए बेहतरीन ऑफर चल रहा है, अगर आप प्लस सब्सक्राइब करते हैं तो। अगर आप रिसेंटली अभी हाल ही में एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, मतलब कि अगर आप 12 मंथ का ले रहे हैं तो आपको 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 24 मंथ में 3 मंथ ऐड हो जाएगा, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। चीज़ें बात करेंगे, उससे पहले हम बात करने चाहते हैं कि एक जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते रहे हैं, उनको लेकर के आज हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी लोगों ने गवर्नर का नाम सुना होगा, आई थिंक गवर्नर का नाम दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में आता है बंगाल का गवर्नर, या फिर हो सकता है इसके अलावा कौन सा गवर्नर, भारत का गवर्नर या फिर वायसराय, इन सबको लेकर के क्या आता है, एक आता है। पहले हम आज अंतर समझना चाहेंगे कि आखिर बंगाल का गवर्नर क्या है, भारत का गवर्नर क्या है, भारत का गवर्नर जनरल कौन है, कैसे आया, और फिर उसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत के गवर्नर जनरल के साथ इसको वायसराय में कैसे कन्वर्जन हुआ इसका। तो आज हम कुछ चीजें नोट डाउन कर रहे हैं उस पर आप उसके बाद में उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम सीधा सीधा जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर, इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है लगभग 1757 से लेकर के हम बात करेंगे तो ये लगभग 1767 के आसपास में रहेगा, या कह सकते हैं मोटा मोटा इसको 73 तक कह दीजिए, 1773 तक, ठीक है, 1773 तक क्या रहेगा इनका टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो इसमें जो बात करेंगे 1773 तक इसको रखेंगे, ठीक है, बाद में हम बाकी समझाएंगे कि इसको क्यों 1757 मैंने 67 बोला था, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 1773 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। जो प्रथम गवर्नर जनरल रहा है वो क्लाइव रहा है, क्लाइव का मतलब लॉर्ड क्लाइव रहे हैं प्रथम गवर्नर जनरल, और अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करेंगे तो अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन रहे हैं अंतिम गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का जो गवर्नर का एक पद हुआ करता था वो 1757 से शुरू होता है और वो कहाँ तक जाता है, 1773 तक जाता है। अगर हम बात करते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल जो पोस्ट आई, तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो पोस्ट आया वो कहाँ से आया है, तो उस पर भी बात करेंगे, वो कब से आया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तो वो पोस्ट कहाँ से आती है, तो ये जो आता है बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल, मतलब कुछ इसके अधिकार बड़े होंगे, कुछ अधिकार बड़े होंगे तो उसी क्रम में उसको क्या है उसके पद की महिमा भी बड़ी होगी। ये 1774 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 1833 तक ये क्या है जाएगा। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव था और जो अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था, तो यहाँ पे जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, मतलब कि जो इससे पहले वाला का अंतिम रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रथम रहेगा, वो क्या रहेगा यहाँ पे प्रथम रहेगा। अभी हम आगे बात करेंगे और अंतिम कौन रहेगा इसमें, अंतिम रहेंगे विलियम बेंटिंग या बेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ मैं अंतिम लिख रहा हूँ इस साइड में और इस साइड में हम लिख रहे हैं प्रथम, ठीक है। तो ये बात करते हैं, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद आया वो कब आया, 1774 तक से लेकर के 1833 तक रहा इसका। अगर हम अगले क्रम में बात करते हैं, इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल आएगा,
कौन आएगा? भारत का गवर्नर जनरल एक पद आएगा, जो कि 1833 से प्रारंभ होकर के 1858 यानी 1857 की क्रांति तक क्या रहेगा, क्रांति के बाद तक ये रहेगा भारत का गवर्नर जनरल पद जो रहेगा। इसमें जो प्रथम कौन सा रहेगा, तो इसमें प्रथम जो रहेंगे वो बेंटिंक रहेंगे, मतलब कि जो गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही क्या होगा, वही प्रथम भारत का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। और अंतिम कौन रहेगा, तो अंतिम इसका रहेगा लॉर्ड कैनिंग, या कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग क्या रहेंगे इसके अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल रहेंगे। इसी क्रम में हम बात पर आगे बढ़ते हैं। तो भारत का अगला पद हम जानते हैं कि आता है 1857 के घोषणा पत्र के द्वारा। अब भारत के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ना कहा जाकर के क्या कहा जाएगा, वायसराय कहा जाएगा। तो भारत का जो वायसराय नामक पद आता है ये 1858 में आएगा और ये चलता रहेगा 1947 तक। इसका जो प्रथम वायसराय होगा वो कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग होंगे प्रथम वायसराय जो होंगे, और अंतिम वायसराय कौन होंगे, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होंगे और अंतिम वायसराय कौन से होंगे, एनी वन गेस प्लीज, लॉर्ड माउंटबेटन या कह सकते हैं माउंटबेटन, क्या रहेंगे माउंटबेटन या लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से इनको जाना जाएगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट पे बैठते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, तो इसके बाद भी एक पोस्ट आती है, इसके बाद एक पोस्ट आती है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये कौन रहेगा, ये पोस्ट आपकी 1947 में बनेगी और 1947 से लेकर के 48 तक चलेगा। इसके भी कौन रहेंगे, ये रहेंगे माउंटबेटन, माउंटबेटन ही क्या रहेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहेंगे। एक और क्वेश्चन जो आपके आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये कौन होगा, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आप सभी लोग जानते हैं, क्या नाम है इनका बताइए, एनी वन गेस प्लीज, सी राजगोपालाचारी, कौन होंगे, सी राजगोपालाचारी। हम बात करेंगे कि इनका कैसे ये आए हैं, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश जो आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने 16वीं शताब्दी में आए, 1608 में इन्होंने भारत में भी पहली फैक्ट्री की स्थापना की, धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, इस्टेब्लिश करने के बाद इन्होंने क्या है, इनका संघर्ष हुआ, कभी पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ तो कभी इन्होंने सबसे इन्होंने उसके साथ साथ पुर्तगालियों के साथ साथ फ्रांसीसियों के साथ इनका संघर्ष हुआ, फ्रांसीसियों के साथ साथ इन्होंने बंगाल में आकर के कैसे अपने मूवमेंट को चलाया और कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया, पहले प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, फिर इन्होंने मराठों से लड़ा, फिर उन्होंने सिखों से लड़ा, फिर उन्होंने मैसूर में युद्ध किया, तो ऐसे इनका संघर्ष चलता रहा और अपने आप को क्या किया, एस्टेब्लिश किया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया, अपने आप को एस्टेब्लिश किया, जो अपने आप को इसने भारत पे अधिकार करना प्रारंभ किया, तो यहीं पे अधिकार के साथ साथ इनका क्या हो जाता है, शासन का क्रम स्टार्ट होता है, कौन सा क्रम स्टार्ट होता है, शासन का क्रम स्टार्ट। अब इन्होंने अपने नियंत्रण में, अपने नियंत्रण में क्या किया, इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया। पहले ये व्यापारी के रूप में आते थे, तो जब ये व्यापार करते थे तो इनको इन सब गवर्नर गवर्नर जनरल की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब ये शासन करने के फॉर्म में आए तो इनको गवर्नर जनरल आज सब चीजों की क्या रहेगी, जरूरत पड़ने लगी। ठीक है, तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जिसको बोला जाता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर ये क्लाइव, क्लाइव के ही नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और क्लाइव के नेतृत्व में इलाहाबाद की संधियां हुई। यहीं से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन गवर्नर हुआ है बंगाल का गवर्नर, और उसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब बंगाल के गवर्नर का पद क्या करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और इसके अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी को प्रमुख बना दिया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया।
उसके बाद ये 1833 तक इसका शासनकाल चलने लगेगा। 1833 तक के शासनकाल में क्या किया जाएगा, 1833 में इनको क्या किया जाएगा, इसके पोस्ट को लेकर के भारत के गवर्नर जनरल को, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कर दिया जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल के अंदर में कर दिया जाएगा। अब तीनों प्रेसिडेंसियां किसके अंदर में काम करेंगी, भारत के गवर्नर जनरल के अंदर। उसके साथ साथ आगे हुई 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार महारानी का घोषणा पत्र जो कि इलाहाबाद में प्रस्तुत होता है, अब उनमें से कंपनी का शासन को समाप्त करके एक सरकार का प्रतिनिधि या कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ किया गया, ब्रिटिश शासन जो कि भारत का वायसराय के नाम से जाना गया। आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद जो आपके मिलेंगे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो कौन होंगे, सिराज गोपालाचारी होंगे। तो ये इनका रहा है, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग पोस्टें आई हैं, अलग अलग पद आए हुए हैं, अलग अलग इनको शक्तियाँ मिली हुई हैं, और हम इनसे रिलेटेड सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम आगामी सीरीज में, पूरी सीरीज में हम इनसे रिलेटेड सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ कमेंट करिए जिन जिन टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है, आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, जिससे कि हम आपको, हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एक पे बात कर लेते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल कैसा रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल में कौन कौन शामिल रहा है, उन पे बारे में हम बात करेंगे। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अगर हम बात करेंगे, सीधा सीधा जो पहला नाम और जो सबसे महत्वपूर्ण नाम निकल के आता है वो क्लाइव का निकल के आता है, क्लाइव का। तो हम पहले बात करेंगे बंगाल के गवर्नर की। बंगाल के गवर्नर जो कि कहाँ से, कब से शुरू हुआ, 1757 से लेकर के और ये 1773 तक का क्या है, ये चलता रहता है। इसमें जो आते हैं, जो प्रथम आते हैं वो आते हैं लॉर्ड क्लाइव या क्लाइव करके आते हैं। इनका टाइम पीरियड जरा हम देखते हैं, क्लाइव के महत्वपूर्ण काम जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लाइव का जो टाइम पीरियड है वो 1757 से लेकर के 60 तक रहेगा। फिर ये दोबारा आएगा, ये दोबारा आएंगे 1765 में, और इलाहाबाद की संध्या भी इनके नेतृत्व में है। तो इनका दो टाइम पीरियड आता है, दो टाइम पीरियड क्या इनका निकल करके सामने आएगा लॉर्ड क्लाइव का। अगर हम बात करते हैं क्लाइव के बारे में, हम क्लाइव के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि प्लासी के युद्ध के समय, प्लासी के युद्ध के समय, ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजी प्रमुख ड्रेक था। कौन था, अंग्रेजी प्रमुख ड्रेक था। प्लासी विजय के बाद, प्लासी विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था इसको, ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में जो अंग्रेजी प्रमुख था वो कौन था, ड्रेक था, लेकिन प्लासी विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का क्या है, प्रथम गवर्नर बनाया गया। उसके साथ साथ एक और पॉइंट हमने लिखा कि बक्सर का युद्ध, जरा बक्सर का युद्ध का टाइम पीरियड आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए, जरा बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। दो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में आपके जवाब आने चाहिए, एक तो प्लासी का युद्ध कब हुआ और दूसरा बक्सर का युद्ध कब हुआ, और दोनों युद्ध किसके किसके मध्य लड़े गए, आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, इसको इसका जवाब दीजिए। बक्सर का युद्ध या बक्सर की, बक्सर के युद्ध विजय के बाद इसे पुनः गवर्नर बनाकर वन सेकंड प्लीज। तो बक्सर के युद्ध के बाद इसको पुनः गवर्नर बना करके क्या, इसको बंगाल भेजा गया, इसको पुनः बंगाल भेजा गया है, उन पे हम बात करते हैं, वन सेकंड।
ठीक है, तो हमने देखा कि प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद इनको क्या है, गवर्नर बना करके भेजा गया है। और फिर बक्सर के युद्ध के गुना बाद क्या है, आप उन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्लाइव पे, हम बात कर रहे थे क्लाइव पे, तो हम वहां पे देखते हैं क्लाइव के बारे में देखते हैं। हमने पहला पॉइंट क्या देखा कि प्लासी के युद्ध के समय, प्लासी के युद्ध के समय प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी प्रमुख जो था वो अंग्रेजी प्रमुख था ड्रेक, और इनको क्या बनाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाएगा। क्या बनाएगा इनको, बंगाल का प्रथम गवर्नर इनको बनाएगा। ठीक है, किसको, क्लाइव को, किसको बनाया गया, क्लाइव को बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि बक्सर की विजय के बाद, बक्सर की विजय के बाद इसे क्या है, विजय के बाद इसे पुनः गवर्नर बनाकर क्या है, गवर्नर बनाकर भेजा गया, इसको पुनः गवर्नर बनाकर भेजा गया। इसके शासनकाल में दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई, दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हुई हैं। बक्सर और इन सब के, बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद में क्या है, इसने निजी, अपने निजी के लिए धन बहुत बटोरा। ठीक है, इसने क्या, धन बहुत बटोरा। उसके साथ साथ इसने, इसको नमक, नमक सुपारी और तंबाकू के व्यापार का एक अधिकार भी दिया गया। इसने, इसने जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इसकी रहा है कि इसने जो इलाहाबाद के संधियां, इलाहाबाद के संधियां इसके शासनकाल में की गई, इलाहाबाद की संधियां, इलाहाबाद की दो संधियां हुई हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल साहब, मुगल बादशाह के साथ हुई है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि भी इसके शासनकाल में हुई, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि मुगल बादशाह के साथ हुई है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि अवध के शासक सुजाउद्दौला के साथ हुई। इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, कुछ कह सकते हैं कुछ कर्मचारियों ने विद्रोह कर दिया था। तो इसके शासनकाल में एक और पॉइंट है कि श्वेत विद्रोह भी इसके शासनकाल में हुआ था, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इसने उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बंगाल और बिहार, इन सबकी क्या है, दीवानी प्राप्त की, इन सब की क्या है, दीवानी प्राप्त की। बिहार की क्या, किसने दीवानी प्रदान की, दीवानी प्राप्त की। तो ये क्लाइव से इंपॉर्टेंट जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि लगातार एग्जाम से पूछे जाते हैं। क्लाइव के बारे में कह सकते हैं यह बंगाल